सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम अपने मन को, हृदय को तैयार करें। हम सब इस वक्त प्रार्थना में बने रहने का प्रयास करें कि इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा में जुड़ रहे हैं तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबके बीच में हो और हम सब जितने लोग भी जुड़े हैं, हम जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आ जाएं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को पूरी करें। साथ ही हम इस प्रोग्राम की सफलता के लिए भी प्रार्थना करें कि आज का प्रोग्राम अच्छी रीति से हो, ताकि आप जो वचनों को आज सुनने के लिए आए हैं उन वचनों को अच्छी रीति से सुन पाएँ और अंतिम आशीष की जो प्रार्थना होनी है उन प्रार्थनाओं को अच्छी रीति से ग्रहण कर पाएँ। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है उसमें हम देखेंगे कि आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना, बहन मैरी और मैं, वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहां कहीं भी हैं हम अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने हाथों को खुला रखें, आँखों को बंद करें, हृदय से, मन से हम उस पिता को निहारें जो इस वक्त हमें निहारता है, हमें देखता है। वो पिता हमसे बेहद प्रेम करता है। जब कभी हम रोते हैं वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। जब हम खुश होते हैं वो पिता खुश होता है। जब हम उन्हें ढूंढते हैं, जब हम उनके पीछे चलते हैं, जब हम उनकी कही हुई बातों का ध्यान करते हैं तो वो पिता क्या ही आनंदित होता होगा। हम उस पिता से कहें कि हे प्रभु, इस समय को भी जो आपने हमें दिया आपको समर्पित करते हैं। इस क्षण में हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं, हम तेरी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। हम हृदय से उसे पुकारेंगे, हम अपने जीवन की सभी बातों को उस पिता के हाथों में देंगे जिसके हाथों में सब बातों का नियंत्रण है। ऐसी कोई भी बातें नहीं है जिसे आप बदल सकते हैं, जिसे हम बदल सकते हैं, लेकिन वो पिता हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी अवस्था से ऊपर उठाकर महिमा में ले जाने वाला परमेश्वर आज हमसे कहता है कि तू मांग उस पिता से जो खुले हाथों सबों को खुशी से देता है। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु कि आज आपने नाम लेकर हमें बुलाया। तेरा धन्यवाद पिता कि आपने हम सबों का चुनाव किया, आपने हमें यह संगति दी प्रभु जिस जगह पर रहकर हम तुझे पुकार पाते हैं। आपने हमारे जीवन में अपने दास दासी को दिया कि वो हमसे तेरी बातों को बताएं, हमसे कहें और हम जान सकें प्रभु कि तू हमसे क्या चाहता है। हे पिता, आज के इस दिन में भी प्रभु हम अपने हाथों को फैलाए हुए तेरे समक्ष आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन की अवस्थाएं प्रभु बदलने में केवल तू ही सामर्थी है प्रभु। हे पिता, हम अपनी बीमारी को, हम अपनी लाचारी को, हम अपने जीवन के हर एक अभाव को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ाइए प्रभु, हमें और भी अपने ईश्वरीय प्रेम से भरिए प्रभु, हमें और भी अधिक सांसारिक मोह माया की बातों से अलग कर दीजिए पिता। हे प्रभु,
हमें अपनी उस आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए तैयार की प्रभु। आपने हमारे लिए अपनी आत्मा को दिया है प्रभु। इस वक्त तेरा आत्मा हम में से प्रत्येक पर उतर आए प्रभु, कि हाँ प्रभु, जब भी हम तेरा नाम लें प्रभु, जब भी हम तुझे पुकारे प्रभु, तेरी उपस्थिति से इस वक्त भर जाए पिता। आज की आराधना प्रार्थना को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। उन हर एक शरीरों को आपके हाथों में देते हैं जो तेरे नाम से खड़े होते हैं प्रभु। हे पिता, उनके मुख में अपने शब्दों को दीजिए प्रभु। आज अपने दास के माध्यम से हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हम तुझे सुनना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं पिता। हे प्रभु, हमारी मनोअवस्था प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव करने पाए प्रभु। हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाए प्रभु। हे पिता, तूने अंत तक आज के दिन में हमें संभाला, और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु, आराधना के द्वारा, वचन की उद्घोषणा के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा हमारे जीवन को आज बदल दिया है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और इस वक्त सब बातों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हम जीवित यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम सब अपनी आँखों को बंद ही रखें। इस वक्त हम अपने आप को शांत करेंगे, अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे। इस वक्त हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, कि इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, हमें अपनी शांति से भरे, हम सबको अपने नियंत्रण में ले, हम सबको अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि आज के दिन हम फिर से उस पवित्र आत्मा से भर दिए जाएं और फिर से एक नया जीवन प्राप्त करें यीशु मसीह के लिए, पिता ईश्वर के लिए। हम सब अपनी आँखों को बंद रखें, आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। मुझे दीदी
सुंदर आराधना में हमारे संग होने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तूने हम सबों को प्रभु अपनी स्तुति आराधना के लिए बनाया है। पिता, तू हमारे जीवन की हर सुख शांति को हम सबके जीवन के लिए तो इस पृथ्वी पर रचा है प्रभु, और तू चाहता है मेरे पिता कि हम एक मन एक हृदय होकर हर पल हर क्षण तेरी स्तुति तेरी आराधना करने पाए। हे पिता, इस वक्त अपनी उपस्थिति को अपनी आत्मा को हम सब में देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, सब कुछ आपके नियंत्रण में आपके हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, वह हमें मिलता है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। दूसरा है 11:25, संत योहन 11:25। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यहां तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
सबों को जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए, इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और भविष्य में जितने लोग इस सेवकाई से जुड़ने वाले हैं उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसा तू जानता है पिता कि हम छन छन वही काम करते हैं, नित्य वही कार्य करते हैं जो तुझे पसंद नहीं। प्रभु उन तमाम बातों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र कीजिए और प्रभु इस वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपके बगैर ये संभव ही नहीं। जितने लोग देख रहे हैं उनको अपने नियंत्रण में लीजिए, मुझे अपने नियंत्रण में लीजिए। आपने कहा था कि बोलने वाले तुम नहीं पिता का आत्मा होगा। आइए पिता, पवित्र आत्मा यीशु हमारे बीच में आइए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावट हैं, सब कुछ यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, पहला वचन मिला यूहन्ना 10 का 28 और यूहन्ना 11 का 25, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जी जाएगा। हालेलुया। दुनिया का सबसे डराने वाला चीज समझते हैं आप लोग क्या होता है? मौत। आदमी अगर किसी जाति धर्म समुदाय से है, वो धनी है, गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, गवार है, उसको मरने से बड़ा डर लगता है। एक ही अवस्था में मृत्यु का भय समाप्त होता है, जब वो व्यक्ति ईश्वर को जान ले। आप देखे होंगे कि जितने लोग ईश्वर से दूर हैं उनको मृत्यु का भय बहुत सताता है, लेकिन जो लोग ईश्वर के करीब हैं जैसे ऋषि महर्षि संत, जैसे पौलुस से पूछा गया तो पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली है, अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जीना चाहता हूं, इसलिए जीना चाहता हूं कि मैं और भी कार्य कर पाऊं। जितने भी लोग होंगे जो आप देखते होंगे कि चाहे वो, मैं पर्टिकुलर क्रिश्चियन धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं हर धर्म जाति की बात कर रहा हूं, जब भी उसको परमार्थ को प्राप्त होता है, परम आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, अगर 0.1% भी जो ईश्वर को समझ गया उसको इन सब चीजों से वो ऊपर उठने लगता है। और इन सब से ऊपर उठने का जो, जैसे आप सुनते हो ना, मोह माया से ये आदमी ऊपर उठ गया, तो मोह माया की जब बात आती है लोगों को, तो हमारे मृत्यु का जो हमें भय सताता है वो क्यों सताता है? क्योंकि हम एक मोह है, माया है,
धन से मोह है, पत्नी से मोह है, माँ बाप से मोह है, अपने पदवी से मोह है, अपने जवानी से मोह है। इस संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ जकड़े हुए, इसलिए हम मरना नहीं चाहते। हाँ या नहीं? किसी भी आदमी को बुला के पूछिए मरना चाहोगे तो क्या बोलेगा? शुभ शुभ बोलिए, है ना, ये मरने मरने का बात मत बोलिए। मरने का बात मत बोलिए, एकदम वो ऐसे ऐसे तुरक जाएगा ना कि लगेगा कि पता नहीं कितना गंदा बात बोल दिया, कितनी गंदी बात कर दी उसने, मरने का बात बोलता है, है ना। आदमी किसी को सराबता है तो क्या बोलता है? तुम्हारी बूढ़ी माँ मर जाए, तुम्हारी सास मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाए, ऐसे सराबता। तो दुनिया के सारे भय के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है, जो हम डरते हैं, वो उसके पीछे का जो मुख्य कारण वो क्या है? मौत। अगर मृत्यु हमारे जीवन से निकाल दिया जाए और किसी को पता हो जाए कि हम नहीं मरेंगे, मान लो प्रियंका को आज यशु आके मिले, बोले तुम्हारा मौत समाप्त कर दिया गया, ये किसी से डरेगी? अब क्या डरना है, अब लोहा खाएगी, शीशा खाएगी, है ना, जो मर्जी खाएगी पिएगी, अब तो मर ही नहीं सकते। तो एक चक्र है जिसमें बांध के ईश्वर ने रखा, और वो चक्र है मृत्यु का। इसीलिए जब बाइबल को बहुत गहन अध्ययन कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा जो उसमें बाइबल में लिखता है कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। क्या लिखा है? वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, मतलब इस पे भी उसका पकड़ है। और इसी को प्रूफ करने के लिए यीशु ने एक चीज बनाई जिसको हम लोग पुनरुत्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान। उसने बताया कि मृत्यु पर भी हमारा नियंत्रण है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मृत्यु यीशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और यीशु ने एक बात कही हम लोगों से कि जो मैं करता हूं वैसा तुम करो, और मेरे नाम से पवित्र आत्मा के साथ साथ के द्वारा तुम मुझसे भी बढ़ के काम करोगे। हालेलुया, बोली ना उन्होंने, बोलो ना, बोला ना उन्होंने। तो जब यीशु का पुनरुत्थान पक्का है, जब यीशु को मृत्यु पे कंट्रोल दे दिया गया है, इसका मतलब एक बात मैं जो भी बताऊं जो थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा, इसका मतलब है कि आप भी अगर यीशु के मार्ग पे चलते हैं तो आपको भी मृत्यु पे क्या होगा? विजय प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। आप भी यीशु के जैसे अगर बनने का प्रयास कर रहे हैं या यीशु के मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको भी मृत्यु पे विजय प्राप्त करने की क्षमता है। आपके प्रार्थना में भी बल है, आपके जीवन के, आपके जुबान में बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन भय आपका जो है, जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते चले जाइएगा तो आपके ऊपर से क्या समाप्त हो जाएगा? मृत्यु का भय। हालेलुया, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। जो लोग ये जानता है कि मृत्यु पे किसका नियंत्रण, जैसे मैं जानता हूं कि मान लीजिए जैसे मेरी है, मेरी नाम है, है ना, मेरी उच्चारण करने से लोग माई भी समझता, मतलब मेरा वाला, मेरी मेरी है, मेरी नाम है उसका। मैं जानूं कि मेरी पूरे झारखंड की मालकिन है ना, और मुझसे वो प्यार करती है, मेरे पे विश्वास करती है, मैं उसके भरोसे जीता हूं, तो मुझे झारखंड में किसी से डर लगेगा? अरे झारखंड में डर लगेगा, क्यों? तो मेरी जो बॉस है वो पूरे झारखंड की मालकिन है, उसका प्यार मेरे ऊपर बरस रहा है, तो झारखंड में मेरा कुछ कुछ बिगाड़ सकता है, चाहे यहाँ के पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का लोग है, जानते हो कि नहीं, मेरी मेरे साथ है,
है ना। तो जैसे ये अनुभूति जो है ना, ये एहसास ही हमारे इस भय को क्या किया, समाप्त कर दिया। ये भय समाप्त हो गया हमारा। तो ये कैसे समाप्त हुआ, जबकि मुझे पता है कि झारखंड का सर्वासर्वी जो है वो मेरी है, और वो भी मेरी है। मेरी किसकी है, मेरी है ना। तो मेरा भय समाप्त हो गया। अब वही बात यीशु समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको मेरे से लगाव है, मेरे पे विश्वास है, तो फिर आपको इन चीजों से भय क्यों है। क्यों नहीं आप ये समझ पा रहे हैं कि हर चीज पे मेरा क्या है, कमांड है। और ये कमांड मैं कैसे प्रूव करूंगा। आपने देखा आपके सामने मुझे यहां मार के गाड़ दिया गया, टांग दिया गया, कवर में डाल दिया गया, 3 दिन बाद में बस वापस आ गया। किसी और को भी कवर में डाल दिया गया, 4 दिन बाद में उसे निकाल के लाया। लेकिन फिर भी आप मृत्यु को लेके बहुत परेशान हैं, और आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इन संसार में जो भी होता है उसका सृजनहार कौन है। मैं हूं। और वो कहां लिखा हुआ जो कि वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि सब कुछ मेरा ही है। पढ़िए यशाया 45:7। यशाया 45:7। यशाया 45:7। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है कि मैं इन सबको करता हूँ? यहोवा मतलब ईश्वर। कि ये सब कुछ मेरे ही द्वारा होता है, उजियाला, अंधियारा, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु। एक जगह मैंने कह भी रखा है कि बाइबल में जब आप नीति वचन पढ़िएगा, सुक्ति ग्रंथ पढ़िएगा, प्रवक्ता पढ़िएगा, प्रज्ञा लिखिएगा, तो बहुत जगह लिखा है जीवन मरण हानि लाभ, हर चीज मुझ से होकर निकलता है और मेरा ही कमांड। और यहां भी यशाया 45:7 में स्पष्ट भाषा में कह रहा है कि मैं इन सब का क्या हूं, सृजनहार हूं। सृजनहार मतलब क्रिएट मैं ही करता हूं। और ये चीज आपने सुन रखा है, समझ रखा है। अय्यूब के साथ जब घटना घट रही थी तो उसको प्रमाणित भी किया गया। तो आपका जीवन और मरण किसके हाथ में, ईश्वर के हाथ में। और सुनिएगा बड़ा ध्यान से, और अब यहां पढ़िए यूहन्ना 10:30। यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। वहां ईश्वर कह रहे हैं कि सबका सृजनहार कौन है, मैं हूं। और यहां यीशु कह रहे हैं कि मैं और पिता, पिता मतलब ईश्वर, यहोवा कौन है, एक ही हैं। किसी कंफ्यूजन में नहीं रही। तो मतलब जो चीज उनके कमांड में है वो किसके कमांड में है, यीशु के कमांड में। और अब एक और वचन, अब एक जगह प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें दास नहीं मित्र कहा है, क्योंकि दास नहीं जानता लेकिन मित्र तो सब जानता है। हालेलुया। अब बताइए ये सारा तीनों का तीनों चारों वचन जब आपके समक्ष रखा गया तो आप यीशु से अलग हैं, नहीं है। मैंने तुम्हें गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। और जब मैं यूथ क्लास को संबोधित करता था तो मैंने बताया था कि जो लोग एडॉप्ट किए जाते हैं और जो ओरिजिनल चाइल्ड होते हैं, ओरिजिनल चाइल्ड को हम छोड़ सकते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड को हम छोड़ नहीं सकते। ये इंडियन लॉ है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता। क्योंकि जिस बच्चे को आप एडॉप्ट करते हैं उसका बजाबते आप पेपर बनाते हैं, तो जिस दिन आपने पेपर बनाया उसी दिन वो बच्चा आपके जीवन में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके हर चीज में हिस्सेदार हो गया। अब उस प्रॉपर्टी को, वो उस पेपर को आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने एक्सेप्ट किया, आप ही ने एडॉप्ट किया,
आप ही ने अपनाया है, अब आप उसको रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन जो आपके डीएनए से जन्म लिया है, जो आपकी वाइफ से जन्म लिया है, उसको आप जब चाहे निकाल सकते हैं। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें गोद लिया है, मतलब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। अब आपको लगेगा कि हमारे जीवन में जो समस्या आती है, उस समस्या उनका छोड़ना नहीं होता है, वो समस्या आपने खुद से ही उत्पन्न कर रखी है, अपने व्यवहार से, अपने आचार से, अपने विचार से उसको आपने डेवलप कर रखा है, और उस समय आप किसी परेशानी में पड़े हुए हैं। हालेलुया। अब देखिए बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां सब कुछ घूम फिर के कहां पहुंच गया? यीशु पे। और आपको यीशु पे ट्रस्ट करना है। अगर आपका यीशु पे ट्रस्ट है या यीशु का आप पे ट्रस्ट है, तो मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं, क्योंकि उसका भी कमांड किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है, यीशु के हाथ में है। यही कमांड जो था तभी तो पुनरुत्थान हुआ था, और यही कमांड था तभी तो लाजर बाहर निकल के आ गया था। हाँ या नहीं? हालेलुया। तो आज से आपको एक काम करना चाहिए कि मरने से डरना छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि दो तीन कारण मैं आपको बताऊं। अगर आपको मौत का भय रहेगा तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। दिन भर आपको भय सताएगा कि मैं मर जाऊंगा। और बाइबल कहता है कि अगर कोई आत्मा से डर गया या आत्मा में मर गया तो वैसे ही मर गया, उसको कोई दुनिया में कोई भी वैद्य, कोई भी दवा, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उसको जिंदा नहीं कर सकता, जब तक कि वो आत्मा में मजबूत नहीं। और यीशु आज यहाँ यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। कौन? तो जो यीशु में है, वो जो यीशु पे विश्वास करते हैं, वो जो यीशु को जानते हैं। वो इसके पहले एक घटना घटी जो आप जानिएगा तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा कि ये लाइन अचानक से यीशु क्यों बोल दी। यीशु एक जगह बता रहे थे कि देखिए आप मेरे से होके ईश्वर के पास जा सकते हैं। तो जब जब ये बात बोलते थे फरीसी लोग भड़क जाता था, ये अपने आप को ईश्वर बोलता है, अपने आप को ये बोलता है। और फिर वो बोलते थे कि अच्छा एक मसीह आने वाला है, कहीं तू ही तो नहीं है, क्योंकि यहूदी भी ये व्यवस्था की किताबों को, पुराने किताबों को पढ़ते थे, यशायाह नबी को पढ़े हैं, उत्पत्ति पढ़े हैं, बाकी सारी पुस्तक में तो ये लिखा ही है कि एक मसीह आने वाला है। लेकिन वो कन्फ्यूजन में रहते थे कि यीशु है कि नहीं है, क्योंकि यीशु इतने साधारण थे कि मसीह मानना उन लोगों के लिए संभव नहीं था। उन लोगों को लगता था कि मसीह कोई आएगा तो वो बड़ा सा होगा। तो यीशु उन लोगों को समझा रहे थे, और समझाने के क्रम में कह रहे थे कि देखो मैं जो आया हूं, तुम्हें द्वार हूं, जीवन हूं, सत्य हूं, सब कुछ मैं हूं। अगर तुम उसमें होके नहीं जीते हो तो तुम्हारा जीना बेकार है। बाकी जो जहां भी तुम जाते हो वो आए हैं तुमको चोरी करने, नष्ट करने आया। यूहन्ना 10:10 को जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि चोरी करने और नष्ट, मेरे अलावा कहीं भी आप जुड़ रहे हैं तो आपका नाश होगा, लेकिन अगर मेरे पास आप जुड़ रहे हैं तो आपका क्या होगा? अनंत जीवन को प्राप्त करें। अब ये बात समझा रहे थे, लोग मानता ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि जाड़े का समय था और यीशु टहल रहे थे ओसारा समझते हैं ना, जैसे अचानक कुछ फरीसी भाई लोग आके घेर लिया उनको और कहने लगा कि भाई आप फाइनल बताओ कि तुम हो कौन, ये रोज रोज दुविधा में डाल के रखते हो, क्लियर करो। यीशु बोले क्लियर करने का, हम तो बोल ही रहे हैं तुमसे, अब तुम मानते ही नहीं हो तो हम क्या करें? अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो इसका मतलब तुम मेरे भेड़शाला का नहीं। हालेलुया।
इसका मतलब अगर तुम मुझे नहीं मान रहे हो, इसका मतलब मैं निश्चिंत हो गया कि तुम मुझे मानने के लिए आए ही नहीं हो, तुम्हारा विनाश होगा। लेकिन जैसे तुम मुझे सुन के मान लोगे तो क्या होगा, मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरे भेड़ सालक हो। पढ़िए, बाईस योना दस का 22, 23, 24, 25, 26, 27। योहन्ना 10 का 22 से 27। यरूशलेम में स्थापना पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी, और यीशु मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ तक। और 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। अब कहते हैं कि वो मेरी बात भी मानेंगे और मेरे पीछे भी चलेंगे, और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और वो मुझे मेरे हाथ से कभी छीन नहीं सकते। हालेलुया। अब यूहन्ना 11 का 25 कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो नहीं मरेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे से छीन नहीं सकता, एक तरफ कह रहे हैं मर नहीं सकता। जो लोग भी आज यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनको सबसे पहले यह निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उनका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, और बुराई का जो प्रकाष्ठा है, बुराई जो सबसे बड़ी बुरी चीज मानी जाती है हमारे पृथ्वी पे, वो मृत्यु मानी जाती है। आपके मृत्यु से भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दो बातों को मैं बताऊं, अगर वो चाहें तो पहली बात, आप अगर मर भी जाएंगे तब भी आपको वो जिला देंगे, जैसा कि खुद भी उन्होंने कर रखा है। पुनरुत्थान हुआ, उनका भी हुआ, लाजर का हुआ, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो जी गए। और अगर आप संसारिक रूप से शारीरिक रूप से नहीं जीते हैं तब भी आप जी जाइएगा। अगर ये चीज नहीं मानते हैं तो इसका मतलब कि आप यीशु मसीह को नहीं मानते। मतलब शारीरिक रूप से अगर आप नहीं जिए, आत्मिक रूप से अगर आप जी जाएंगे, अगर इस चीज पे यकीन नहीं है तो इसका मतलब यीशु मसीह पे भी यकीन नहीं है। तो दोनों ही अवस्था में क्या होना चाहिए? अगर आपको ये यकीन है कि हमारी शारीरिक मृत्यु हो भी जाएगी लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं हो सकती है, हम यहां से अपने घर को जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अपने घर को जा रहे हैं। हम यहां परदेशी हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कौन सा है? स्वर्ग है। अगर कोई आदमी अपने घर को जाए और वो नाराज होके जाए, ये हो सकता है क्या? कोई अपने घर को जाएगा तो खुशहाल जाएगा ना। समस्या क्या है कि यहां के लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। समझिएगा अब जो आगे लाइन बोल रहे हैं, इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में 10 लोग हैं, आपका आपके माध्यम से उसका खाना पीना रहन सहन सब प्रभु दिए हुआ है, इंतजाम कर रहा है। अब उसको ये भय है कि ये मर जाएगा तो हम जिएंगे कैसे, इसलिए उसको आपसे प्यार नहीं है कि वो आप हैं कि नहीं है, इसलिए प्यार है कि इसलिए भी ज्यादा रोता है लोग कि आपके बगैर उस सर्वाइवल कैसे होगा उसका। हाँ या नहीं? जिसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी वाले खड़े होगा, बोलते हैं अच्छा ये मर जाएगा 2 करोड़ रुपया मिलेगा, तो
तो रोने का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, दो आने वाला है, मतलब 5-10 साल चलने वाला है ना। तो ये जो माया है, जिसको मैंने एक बार कहा कि पेट से बड़ा कोई कुआं नहीं हो सकता है, आज तक नहीं भरा है। पता नहीं कितना टन अनाज हम लोग खा गए है ना, कितना भेड़ बकरी क्या क्या खा चुके हैं हम लोग। मछली तो हमको मेरे ने एक पेट से अगर निकाला जाए तो एक तालाब मछली निकलेगा, उससे भी ज़्यादा, जिस हिसाब से मछली खाए होंगे। फिर भी आज तक पेट किसी का नहीं भरा। मैं युद्ध क्लास में बता भी रहा था कि अगर पेट प्रभु नहीं बनाता तो कोई भी आदमी काम नहीं करता। ये ऐसा कुआं डाल दिया आपके शरीर में, देखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन आज तक नहीं भरा। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक ये भरने वाला कुआं, पूरा संसार का अन्न खा जाइएगा तब भी आपका पेट नहीं भरेगा। और इस पेट के इर्द गिर्द पूरा दुनिया घूमता है। शर्ट किस क्यों बनाया जाता है, तो कोई मजदूरी करता है, मजदूरी वो क्यों करता है, तो उसको राशन चाहिए। कोई रिक्शा क्यों चलाता है, तो वो पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, तो उसको खाना है। कोई शराब क्यों बेचता है, तो उसको पैसा चाहिए। कोई भी काम पैसे के लिए किया जाता है। और पैसा से जो सबसे बेसिक चीज है वो तन और धन, तन ढकने का और पेट भरने का चीज चाहिए। घर हो नहीं हो, गाड़ी हो नहीं हो, रिचार्ज हो नहीं हो, लेकिन भोजन तो चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए मेहनत करना होगा। अब लगा हुआ आदमी पूरा दिन, तो ईश्वर भी बहुत तेज थे, वो जान के पेट डाल दिए कि लीजिए। और इस पेट की वजह से, जिसके माध्यम से ये पेट भर रहा है, उसके मरने के लिए हम बेचैन है, और हमको भी ये डर है कि हम मर जाएंगे तो इसका क्या होगा, हाँ या नहीं, डर है ना। अपने मौत का डर इसलिए भी है कि अगर हम मरें तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मेरे माँ बाप को कौन खिलाएगा, मेरे पति को कौन खिलाएगा, मेरे पत्नी को कौन खिलाएगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि जितने लोग डरते हैं वो पहले डरना बंद करें, क्योंकि अगर आपको यीशु मसीह समझ में आने लगेंगे तो कहता है यीशु मसीह बाइबल में हर जगह कह रहे हैं कि तू कौन है कि चिंता करके अपनी आयु का एक दिन घटा या बढ़ा सके। उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। खिलाता कौन है? सिस्टर एस्थर के पिताजी 8-9 साल की उम्र में नहीं चले गए, स्वर्गवासी हो गए। आज खाती पीती लगती है कि नहीं आप लोग को, खाएं कि नहीं खाएं? अरे 8 साल में अभी जो भी उम्र होगा, लड़की लोग का उम्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो भी 50-55 साल की है, मतलब जो भी दिखती हैं, वो मान लीजिए कि वो खाई कि नहीं खाई, खाती है ना, पिताजी नहीं रहे तब भी खाती हैं, है ना। हमको लगता है अच्छा ही खाती हैं, देखने से तो ऐसा ही लगता है कि अच्छा पीछा खाती रहती। तो उनका प्रबंध कौन करता है? आज भी कोई आया था साग लेके आया, पूछे कौन सा साग, कौन सा फूल का नाम ले रही थी, ये फूल का साग है। साग देख के एकदम खुश, जैसे किसी बच्चा को, आजकल के बच्चा को डोमिनोज पिज्जा दे दीजिए, खुश। प्रभु प्रबंध करता। तो जिस दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो रही थी, आप लास्ट टाइम आई थी प्रचार में, इस चीज को उन्होंने शेयर किया था, साझा किया था आपसे, वो घूम घूम के लोगों को बोल रही थी, चलिए, लोगों का आंसू पूछ रही थी। 8-9 साल की लड़की पूरे लोगों को आंसू पोंछ रही थी, रुला रही थी, मतलब लोग जो रो रहे थे उनको चुप करा रही थी, खुद भी नहीं रो रही थी, कब्र का इंतजाम की, सारा कुछ कर रही थी। क्यों? कभी इस बात को समझ में आया क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को जानने लगी थी, उनके अंदर भय नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे पता है कि झारखंड का जो मालकिन है कौन है, मेरी, वो मेरी है। इसीलिए उनको सिस्टर स्तर को पता था कि पूरे विश्व का जो मालिक है वो कौन है, मेरा पिता है, और वो मुझसे बातें करता है। ये पिता तो क्षणिक हैं, चले गए, लेकिन वो पिता क्षणिक नहीं है, वो कभी जाने वाला नहीं है, और वो थामे रही उसको। आज उनका कुछ बुरा हुआ नहीं हुआ।
ये बात समझना होगा, और यही यीशु मसीह यहां पहले शब्दों में समझा रहे हैं, दोनों ही बात में, कि अगर आप थोड़ा भी ईश्वर को जानते हैं तो आपको सांसारिक चिंता भी नहीं होगी, उसका इंतजाम वो कर देगा, और अगर थोड़ा ज्यादा जानते हैं तब भी आप जान रहे हैं कि आपका नाश नहीं होगा आपको, चूंकि आज अगर आप जिंदा मर भी गए तो आप जा किसके पास रहे हैं, ईश्वर के पास हैं, जहां से आप आए हैं वहीं पहुंचाए जा रहे हैं, तो आपका नाश हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए उसने पहले वचन में तो साफ साफ कहा कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। वो यीशुमय हो गए, यीशु जुड़ गए उनसे, और वो यीशु से और यीशु उनसे जुड़ गए। यही बात वो मार्था को यहां समझा रहे थे जब लाजर मर गया, और लाजर मरने के बाद जब यीशु मसीह वहां पहुंचे और मार्था बार बार एक शब्द कह रही थी कि हे रब्बी अगर तू यहां रहता तो वो नहीं मरता। तो यीशु मसीह उससे कहने लगे कि कोई बात नहीं, वो अभी भी जी उठेगा। तो मार्था कह रही है कि हाँ हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के दिन वो क्या होगा, जी उठेगा। तो यीशु मसीह कहे कि अच्छा ये बात तो तुम इतना तक तब समझ गई, तो ये बात समझो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं उस समय जब जिला सकता हूं तो वो समय मैं आज भी ला सकता हूं। हालेलुया, समझ में आ रहा है, जब मैं उस समय जिला सकता हूं तो आज क्यों नहीं जिला सकता, आज जिला देता हूं, इसमें कौन सी बात। और यही कन्विंस करना चाह रहे थे। आज पूरा संसार इस बात से भयभीत है कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, और इस मौत के चक्र में पड़ के सारे लोग डरे हुए हैं, और जानते हैं डरने से परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, जितने लोग डरते हैं वो उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा निश्चित तौर पर। मैंने लास्ट टाइम आपको उदाहरण भी दिया कि एक दिन मेरी छिलका रोटी बना रही थी मेरे लिए, डरी, आज तक छिलका रोटी नहीं ठीक से बना, इसका हाथ कहां पर आता है ना, क्या था, डर गई, परफॉर्मेंस बिगड़ गई। अब महान लोग कहते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है, क्या है, रंगमंच है, हम सबको यहां क्या करना है, नाटक करना है, ये रंगमंच है, प्लेटफॉर्म है, तो नाटक करना है। अब आप डर के नाटक कर रहे, डर के नाटक कर रहे, आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, खराब हो जाएगा, आप डरे हुए हैं, नौकरी के डर से आप डरे हुए हैं, नौकरी नहीं होगा आपका परफॉर्मेंस पढ़ाई में खराब हो रहा है, शादी से डरे हुए हैं आपका परफॉर्मेंस आप जहां हैं वहां खराब हो रहा है, आप माँ के मरने से डरे हुए हैं परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, आप पिता के मरने से डर रहे हैं परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, आप धन नहीं है इस बात से डरे हुए हैं परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, हर चीज में आप डरे हुए हैं तो आपका कोई भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है, और हम विनाश के गर्भ में जा रहे हैं। यीशु कह रहे हैं भाई तू डरा क्यों है, इस सृष्टि पे अधिकार मेरे पिता का है, और मेरा पिता और मैं तो एक ही हूं, इसीलिए वो मरियम को झिड़के, समझ में नहीं आता तुमको, मैं जिससे प्यार करता हूं उसको मैं जब चाहूं जिला सकता हूं। यहां लिखता है पांच, पढ़िए 11:5, नहीं 11:3 पढ़िए। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिसे जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। क्या करता है, प्रीति, प्रीति का मतलब समझते ना, प्रेम, लव, सहानुभूति, है ना, लिखता है कि जिससे तू प्यार करता है, प्रीति रखता है, स्नेह रखता है, सहानुभूति रखता है, वो बीमार है, है ना। और ये बात कितनी जगह लिखा है, मैं आप चाहूं तो वचन से आपको पढ़ के समझा सकता हूं, लेकिन छोड़िए आप लोग समझदार लोग हैं। और अचानक से यीशु मसीह उसके घर पहुंचे, और जो कन्वर्सेशन हो रहा है जिसको समझिएगा बड़ा ध्यान से, पहले मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि आपको मृत्यु का भय होना नहीं चाहिए,
अगर है तो आत्मिक रूप से आपको भय नहीं है। किसको भय है यहां स्वर्ग और नरक का? क्या मर जाएंगे तो पता नहीं नरक नरक जाएं स्वर्ग जाएं, हमको लगता है बहुत कम परसेंटेज होगा, लेकिन बाकी सब लोगों को यह डर है कि हम मर जाएंगे तो हमारे घर वाले का क्या होगा। बेशक उसको वो रह के अपना कुछ नहीं ठीक से कर सकता है, सबसे पहले तो वो अपना ठीक कर लेता ना अगर उसको करने पे आता, अपना तो ठीक अगर कर नहीं सकता है लेकिन उसको चिंता है हम मर जाएंगे तो उसका क्या होगा। भाई तू ठीक से पहले अपने बारे में तो सोच ले। या जिस आदमी के बारे में हम चिंतित हैं, जैसे हम चिंतित हैं मेरी माँ के बारे में या पिता के बारे में या पति के बारे में या जिसके बारे में भी, वो रह के भी आपका क्या बना रहा है? अगर उसी के हाथ में रहता, सृष्टि का रचयिता वो रहता या हर चीज उसके कमांड में रहता तो आपके जीवन में कोई समस्या रहता वो ठीक कर देता ना। ये तो लीला है ईश्वर की, जिसने आपको इस दुनिया के मालिक के हाथ में छोड़ दिया। इस दुनिया का मालिक कौन है? शैतान। उसको छोड़ दिया, अब उसे एक फेरे में डाले हुए आप घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं। वही जो मैं कहता हूं ना, रोटी कपड़ा मकान, घूम फिर के आप इसी रिश्ते में। आप कहते जरूर हैं कि आप आत्मिक, कैसे आत्मिक हैं भाई? आपको तो सारा दिन यही चिंता सता रहा है। और इस सब में बड़ा चिंता क्या है कि मेरे बाद क्या होगा मेरे घर वालों का। भैया आप रहते हुए भी क्या कर लिए अपने घर वालों का? और आपको लगता है कि घर आप चलाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आप घर नहीं चलाते हैं, ईश्वर चलाता है। आज आपको माध्यम चुन के रखा है, कल किसी और को माध्यम खड़ा कर देगा। सिस्टर एस्थर के घर को उनके पिताजी चलाते थे, उनके जाने के बाद ये लोग भूखे मर गया। खाया तो नहीं है ये लोग? खाया कि नहीं खाया? खाया ना, इतने सालों से ही खा ही रही हैं। ये खा रही हैं, बाकी परिवार के लोग खा रहे हैं। जब 8 साल 9 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया तब भी ये जी ही रही हैं। इसका मतलब परवरिश का जिम्मा किसी और को दे दिया। एक दिन एक बहन आई मेरे पास, बोलने लगी भैया पिताजी से पैसा नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता इस उम्र में भी पिताजी से पैसा मांगना, सही नहीं लगता। मैंने उनको समझाया क्यों सही नहीं लगता। आप प्रभु का काम करने जा रहे हैं, प्रभु इंतजाम तो करेगा। नहीं, प्रभु मुझे अपना नौकरी देगा। मैंने कहा ये डिसाइड करने वाले आप होंगे कि प्रभु होगा? अरे कौन होगा? प्रभु होगा। वो चाहेगा तो आपकी नौकरी होगी, नहीं चाहेगा तो नौकरी नहीं होगी। पूछा कैसे? मैंने कहा वो जानता है ना कि आपका जीवन यापन कैसे होगा। तो बोली नहीं समझा। मैं समझा रहा हूं, एलिया नबी को रानी एलिजाबेथ और बाकी लोग मारना चाह रहे थे। एलिया नबी गुस्सा में बोला कि प्रभु मुझे उठा ले यहां से, अब नहीं जीना हमको। और एक कहते कहते वो राज्य से भाग गया। भाग के थक हार के जाके एक नदी के किनारे सो गया और बार बार बोला था मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। पता नहीं कहानी आप लोग सुने कि नहीं, एकदम चिढ़ के और कहते कहते थक के सो गया। अचानक जब नींद खुली तो देखा कि गरम रोटी बगल में पड़ा हुआ है और किसी ने थपथपाया उसे, स्वर्गदूत आके थपथपाया। मान लो रोहित भाई सोया हुआ, तड़ाक से दो थप्पड़ मारा कोई, देखा स्वर्गदूत जगा, हुकुम आका कौन सा नौकरी चाहिए, हाथ रख, आईएएस यूपीएस जेपीएस कहां, क्या बोलेगा भाई? अभी सोचेगा बताइए। अचानक से भैया टाइम बहुत छोटा मिलता है, पहले से सोच के रखो। एलिया नबी को बोला खाओ पियो और आगे बढ़ो, और आगे तुम बढ़ना। फिर दो बार ये घटना घटी तो बोला आगे, तो आगे मैंने तुम्हारे लिए कौवा का इंतजाम कर रखा। किसका? कौवा का। जो कौवा आएगा चोंच में मांस का टुकड़ा लेके आएगा। देखिए कौवा कितना ईमानदार, मांस का टुकड़ा चोंच में, उसका ग्रेवी कैसे उसके अंदर जा रहा होगा फिर भी वो उसको निगल नहीं पा रहा होगा, कितना ईमानदार कौवा। अरे ईश्वर सोचागा एक निकल लेते हैं फिर दूसरा जाके लेके आते, नहीं यहां एकदम फंसा हुआ। अच्छा किसी के मुंह में अगर कोई चीज रख दिया जाए तो उसके जो लार है उससे उसका अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना।
कौआ एकदम फंसा के मटन का टुकड़ा रखे हुआ है, बार बार लेके आ रहा है, एक बार भी मटन मिस नहीं हुआ उस दे रहा है। मैंने उसको बोला, बहन आपके जीवन का कौआ है आपके पिताजी। बोली क्या बोल रहे। मैंने कहा प्रभु जानता है कि किसका व्यवस्था किससे करना है, तो आपके भी जीवन का कोई कौआ होगा ना जो आपको भोजन देगा। अब कौआ से खान लेने में कैसा सर, कौआ को किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। पहले कौआ गया, फिर वो विधवा गई, फिर डायरेक्ट रोटी लाके दे दिया। ये प्रभु को तय करने दीजिए ना कि डायरेक्ट भेज रहा है कि कौआ के माध्यम से भेज रहा है कि विधवा के माध्यम से भेज रहा है। आप क्यों तय करने लगे? तो हम सब के जीवन में प्रभु ना कोई कौआ रखे हुए है। जैसे हो सकता है हम अपने घर के कौआ हूं, कौं कौं करते रहते हैं, है ना। मेरा कोई और कौआ हो, रश्मि का कोई और कौआ हो, है ना। अब रोहित भाई आपका कौन कौआ पता हो गया ना आपको, है ना। सबके जीवन में कोई ना कोई क्या है, कौआ है। उस कौआ से मांस लेने में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कौआ कौन भेजा? ईश्वर भेजा। तो वो बहन उसके बाद से घर से पैसा लेना शुरू कर दी, वो समझ गए। तो जैसे ही आपको पता होगा कि मेरे लिए जैसे कौआ है, वैसे उन्नति के लिए भी कोई ना कोई कौआ प्रभु रखे होगा, है ना। साक्षी के लिए भी कोई ना कोई कौआ रखे होगा, मेरे माँ बाप के लिए कोई कौआ रखा होगा, भाई बहन के लिए। तो मुझे यह डर लगेगा कि कल मेरा क्या होगा? नहीं होगा। साल में एक आधा दिन ऐसा होता है कि इस बात पे मैं और सिस्टर एस्थर विचार करता हूँ। सिस्टर एस्थर बोलते देख लिया जाएगा, जो होगा सो देख। ऐसा भी नहीं है कि मेरे बैंक में करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, या हम बहुत बड़े जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं, या मैं LIC लेके रखे हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कल भी रात में मेरा एक मित्र बता रहा था, कम से कम तुम 2-5 करोड़ का LIC ले ले भाई। मैंने कहा क्यों? अगर अचानक कुछ होता है तुमको तो 10 साल 14 साल की है, 10 साल पढ़ाई करेगी, फिर शादी करेगा, हर महीना में तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपया खर्चा होगा, तो इतना में उसका काम चल जाएगा। मैंने कहा बात तू सही कह रहा है, मैं कल सोचता हूँ। अब उसको क्या पता है कि सुबह जाते हम कुछ और सोचने लगते हैं, है ना। तो जैसे ही आपको ये यकीन है कि जिस प्रकार आपके लिए कौआ है दूसरे के लिए कौआ है, तो आपको मरने से डर लगेगा? अरे लगेगा नहीं। अब मैं बता रहा हूं क्यों नहीं लगेगा। आप जानते होंगे ना, जब हम किसी का विवाह करने जाते हैं, जैसे हम अपनी छोटी का विवाह करने जा रहे थे, तो हम सोचे कि लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए, है ना। या किसी के बेटी का विवाह करने जा रहे हैं हमारे समाज में, तो हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? अरे क्या ढूंढते हैं? पढ़ा लिखा और नौकरी। अगर वो पढ़ा लिखा भी है नौकरी नहीं है, तो वो मेरे बेटा या बेटी का कौआ नहीं हो सकता, खिलाएगा कहां से, है ना। अगर वो बेहतर कौआ होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? सरकारी नौकरी वाला। क्यों? तो जब तक जिएगा तब भी खिलाएगा और मरने के बाद भी क्या करेगा? खिलाएगा। इसीलिए हम लोग सरकारी नौकरी, मतलब हम लोग सरकारी कौआ ढूंढते हैं, है ना। क्या ढूंढते हम लोग छोटी, क्या ढूंढते हम लोग? सरकारी कौआ मिला तुमको, है ना। प्राइवेट कौआ नहीं, सरकारी कौआ। क्यों? तो वो कौआ अगर निकल भी गया तो सरकार उसके बदले में क्या करेगा? खिलाएगा, है ना। तो इसके पीछे पूरा खेल क्या है? पेट का, है ना। डर क्या है? परवरिश का। और ये डर लेके अगर आप जी रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस ठीक तो होगा ही नहीं। तो जितने आदमी डर गया है, तो गब्बर सिंह बोला जो डर गया सो घर गया और मर गया। समझिए, तो मरने से पहले आप रोज मर रहे हैं, रोज मरता है आजकल, हम तो देख रहे हैं ना, रोज मर रहा है। यहां सुबह से शाम तक हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वेंटिलेटर देते हैं। काउंसलिंग में आया मेरा बच्चा वेंटिलेटर, रुक जाइए 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन का ऑक्सीजन डाल के राजभिया सर्दी उसको भेज दी, 2 दिन तक अच्छा वो लोग बोला है कुछ ठीक होगा, फिर वो डिप्रेशन में, फिर हम लोग वेंटिलेटर डाले। डर है उसको, बच्चा का कुछ नहीं हुआ, बेटी का कुछ नहीं हुआ, पत्नी का कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे आप भूल गए हैं
कि जिस गर्भ से हम लोग निकलते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं हम लोग कि बिना लेंस से हम लोग को देखा नहीं जा सकता है, और उसको प्रभु बढ़ाता है। हाँ या नहीं? जब हमारी उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति से पहले हमारा जो साइज है आंख से तो नहीं देखा जा सकता, जब गर्भ में हम प्रवेश करते हैं तो, और उससे प्रभु अंधेरे में ही बढ़ाता है और बढ़ा के हमें इतना लायक कर देता है। आते हैं जब हम ना खाना जानते हैं, ना हम पीना जानते हैं, ना हम सांस लेना जानते हैं, तब प्रभु हमारी सुरक्षा करता है। और उस समय विभिन्न प्रकार का कौवा रखता, पहले हमारी माँ कौवा हो जाती, स्तनपान कराती, फिर जब बड़ा होते हैं तो पिताजी कौवा हो जाते हैं, फिर और बड़ा हुए तो सरकार हमारी कौवा हो जाती है ना। विभिन्न प्रकार का कौवा तो पहले से प्लान करके रखे हुए, फिर भी आप डरे जा रहे हैं और आप अपना परफॉर्मेंस क्या किए, खराब किए जा रहे हैं। तो पहला तो ये संसारिक जो डर है उससे निकाल दीजिए। अगर आप इस डर में हैं तो इसका मतलब आप यीशु मसीह को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप भूल गए हैं कि अंधेरा, उजाला, विपत्ति, अच्छा बुरे का सबका सृजनहार कौन है? ईश्वर है। गरीबी अमीरी सब कुछ वही बनाता है, भूख भी वही देता है, भोजन भी वही देता है, मारता भी वही है, जिलाता भी वही है। ईश्वर पिता और मैं एक ही हूं, मैंने ये वचन, छोटा सा वचन आपको बताया, यूहन्ना 10:30 में लिखा हुआ है, फिर से डालिए इसको, मैं और पिता एक ही हैं, मैं और पिता, आई एंड फादर, दोनों हम लोग क्या हैं? एक ही। आप बेकूफ हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? और हम आपके साथ हैं, हम आपके दोस्त हैं, है ना, आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। इसी बात को फिर से वो प्रमाणित कर रहे हैं। और मरियम और उनमें जो डिस्कशन हो रहा है, 2 मिनट में सुनाऊं आपको, 20 से लेके 27 तक, 11, संत्योहन 11 का 20 से लेकर 27। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। कन्वर्सेशन चल रहा है, यीशु कह रहे हैं, मार्था कह रही है कि मैं जानता हूँ कि वो जग जाएगा पुनरुत्थान में। यीशु बोले, पुनरुत्थान किसने बनाया? मैंने बनाया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, या पहले जिला हूं या बाद में जिला हूं। अगर तू इस बात को मानती है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी गया तो मरेगा नहीं, अगर वो जिंदा है तो भी बहुत लंबा जिएगा, क्या तू मानती है? उसने कहा, हाँ मैं मानती हूं, और मैं ये भी मानती हूं, मैं तो ये मानती हूं और मैं ये भी मानती हूं कि उसने कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मैं ये भी मानती कि तुम ही वो मसीह हो जो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आने वाले हो। उस समय तक यीशु हमारे उद्धारकर्ता हुए नहीं थे। हालेलुया। सोचिएगा कितनी बड़ी बात मार्था कह दी सिर्फ साथ में रहते रहते। लोग कहता है ना कि लाजर को ही 4 दिन बाद क्यों जिलाया गया, कभी इस बात को समझिए।
बाकी जितने लोगों को जिलाया गया है, किसी को एक घंटा में, किसी को डेढ़ घंटा में, किसी को दस मिनट में, किसी को आधा घंटा में, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हुआ हो दो दिन हुआ, सिर्फ एक बॉडी है जो चार दिन के बाद जिलाया गया। क्या नाम था उसका? लाजर। पॉपुलर कहानी। क्यों? तो वो प्रभु उससे बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे थे कि जो मुझे यीशु मसीह कह के, जो मुझे मसीह कह के मान लिया है, उसके जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, जितनी भी बड़ी मृत्यु हो, चाहे वो जितना दिन से भी मरा हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो जितने दिन से भी मरा हो, जितना पुराना पाप हो, जितनी बड़ी गरीबी हो, जितना बड़ा कर्ज हो, जितनी बड़ी लाचारी हो, चाहे जितना पुराना हो, चाहे 38 साल का रोग हो, यीशु के द्वारा मुक्ति हो ही जानी है। इसमें समस्या नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप आज भी, हम आप रोज प्रार्थना उद्धव परिवार को सुन रहे हैं, बाकी बहुत सारे दास दासी हैं, हम लोग तो अभी बहुत कीड़े सरीके हैं, बहुत बड़े बड़े दास दासी को आप लोग सुनते हो, अगर आपको 0.1% भी, जैसे बाइबल कहता है ना कि राई के दाने के बराबर भी अगर आपको विश्वास है, तो दोनों ही अवस्था में आपको डरना बंद कर देना चाहिए। पहला डर कि हमारे जीवन में क्या होगा, उसके बगैर क्या होगा, या मेरे बगैर उसका क्या होगा, ये डर। और इस डर के पीछे का जो खाई मैंने बताया, वो कुआं जो डाल दिया गया है हमारे और आपके पेट में। और दूसरा डर जो बहुत कम लोग जानता होगा, दूसरा डर ये है कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, हालांकि इस बात पे विचार लोग बहुत कम लोग करता है। तो दोनों ही अवस्था में आपकी मुक्ति कौन दिलाएगा? यीशु। सिर्फ आपको करना क्या है, उसको मसीह मान के स्वीकार करना। कितना छोटा सा सौदा है, जो मैं हमेशा बताता हूं कि ईश्वर में और मेरे साथ एक कमिटमेंट है कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। मेरा कौवा कौन है? अरे कौन है मेरा कौवा? मेरा कौवा सीधा ईश्वर है, वही हमको खिलाता है, वही हमारा प्रबंध करता है हर रूप में। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मर नहीं सकता हूं। पौलुस ने कहा ना कि मैंने अपनी दौड़ ली है, अगर मैं आज भी मर गया तो अपने घर ही जाऊंगा। हम लोग अपनी दौड़े तो नहीं है, लेकिन आज भी मर जाए तो अपने घर ही जाएंगे, और प्रभु अगर यही चाहेगा तो यही सही। भविष्य में क्या होगा, इस बात की चिंता बहुत ना के बराबर आती है, और धीरे धीरे ईश्वर चाहा तो वो भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु कह रहा है आज कि अगर आप समझते हैं कि यीशु है, तो यीशु कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अच्छा और बुरा मैं हूं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, ना यहां ना वहां, याद रहेगा ना आप लोगों को। तो चलिए प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम पिता का धन्यवाद करें। मन में मन उससे हम कहें कि प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारा ईश्वर है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह आपके पुत्र हैं, हम जानते हैं कि वो आत्मा सदैव हमारे साथ है, हम जानते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप तीनों एक ही हैं और आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि हमारा नाश नहीं हो सकता है, हम जानते हैं कि दुनिया के हर चीज पे आपका नियंत्रण है। प्रभु, हमें किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आज हम सब दिल की गहराइयों से तेरी वंदना करते हैं, हम अपनी सारी चिंताएं, सारे फिक्र से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि अंधियारे और उजाले का रचनाकार तू ही है। प्रभु, हमारी इस वंदना को स्वीकार कीजिए।
मांगते हैं पिता कि जो भी तेरे मार्ग में चलते हैं प्रभु, वो दास दासी हो, विश्वासी हो, उनके जीवन में जो पृथ्वी का भय है और जो भविष्य का भय है, जो वर्तमान का, भूत का, भविष्य का भय है, उन तमाम भय से तूने उन्हें आज मुक्त किया है। तेरा धन्यवाद है। जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो गर्भ धारण किए हुए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय प्रसव पीड़ा को झेल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनके शरीर में कहीं घाव है, दर्द हो रहा है, कोई ऑपरेशन हुआ है, दर्द हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जिनके शोल्डर में दर्द हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जिनको किसी एलर्जी से ग्रसित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त शारीरिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो मानसिक रूप से बीमार हैं पिता, हे प्रभु इन सबको तू स्पर्श कर रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग आत्मिक शांति चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग नशे से ग्रसित हैं उससे मुक्ति चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इन दिनों नौकरी पढ़ाई एग्जाम के में प्रयासरत हैं प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे भी और प्यासे हैं, जो पारिवारिक रूप से प्रार्थना चाहते हैं, जो विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो केस और जमीन के किसी समस्या से परेशान है प्रार्थना चाहते हैं, जिनका पेंशन का काम रुका हुआ है, जिनका पासपोर्ट का काम रुका हुआ है, कोई और काम रुका हुआ है, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका जन्मदिन है आस्था, और ऐसे जितने बच्चे हैं आस्था और ऐसे जितने बच्चे हैं जिनका आज जन्मदिवस है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी गण्यमान्य लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, इस समय जितने लोग मरण शैया पे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन दिनों जहाँ जहाँ रिट्रीट होना है जिस सेवकाई के माध्यम से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ विश्व में फिर से जितने तेरे दास दासी हैं उनके जीवन से तूने भय को समाप्त कर दिया है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु विश्व में जितने लोग अपने रोग को लेकर डरे हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग अकेलेपन को लेकर डरे हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि जिन लोगों को लगता है कि परिवार में उनके बाद क्या होगा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरे विश्व के एक एक बच्चों के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इज़राइल के लिए और ऐसे जहाँ जहाँ युद्ध छिड़े हुए हैं प्रभु उन तमाम जगहों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम क्लिशिया के लिए, तमाम उन तमाम भाई बहनों के लिए जो तेरे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि एक दिन तू मृत्यु को सदा के लिए हम सबके जीवन से नाश करेगा, और हम जानते हैं प्रभु कि हमारी सारी समस्याओं का तू समाधान करेगा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, हर चीज़ को आपने अपने नियंत्रण में लिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन।
तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क कर, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से।